नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी चौहान। प्रज्ञा विडवाल एजुकेशन चैनल में आज सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज रविवार का दिन है और रविवार स्पेशल में आप लोग के लिए कुछ न कुछ अलग हटकर वीडियो लेकर आते रहता हूँ। तो आज का वीडियो कुछ अलग हटकर होने वाला है। तो हम एक बड़ा सा बॉक्स को हम अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके अंदर में क्या चीज है तो आगे आप लोग को बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आप लोग को पता चल सके कि इस बॉक्स के अंदर है क्या चीज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में इस बॉक्स का हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो इस बॉक्स के अंदर में क्या चीज है तो मेरे को भी नहीं पता। तो आज के वीडियो में इस बॉक्स के अंदर में देखने को मिलेगा अनबॉक्सिंग करने के बाद। तो ज्यादा जानना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो बॉक्स को देखिए, बॉक्स की कंडीशन तो देख रहे होंगे कि इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है और यहाँ पर जो पेपर चिपकाया हूँ ये प्राइवेसी की रीजन के चलते मैंने यहाँ पर पेपर चिपका दिया हूँ। यहाँ पर एड्रेस सब लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं ये फोर पेपर को यहाँ पर चिपका दिया हूँ। तो यहाँ पर पूरा टेपिंग किया हुआ है, तो बढ़िया अच्छी तरह से पैकिंग की गई है इसको। तो चलिए हम इसको इस बॉक्स को खोलने का कोशिश करते हैं। कहाँ से खोलना है तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो मैंने यहाँ पर एक कटर ले लिया हूँ। तो कहाँ से खोलना है वो तो सब नहीं दिख रहा है, तो मतलब उसको भर भर के पूरा टेप लगा दिया गया है। तो चलिए हम बॉक्स खोलते हैं इसको फटाफट। अभी हम इस भाग पर कट लगा दिए हैं। अब ये कहाँ से कटता है तो आगे देखते जाइएगा। तो दोस्तों, हमने इसका बॉक्स का ऊपरी हिस्सा को खोल दिए हैं। तो यहाँ पर पूरा थर्मोकोल लगा हुआ है, तो इसको हम धीरे धीरे के हटाते जाते हैं। तो यहाँ पर इसको हटा दिए। अब ये क्या चीज है इसके अंदर में, कि भी कुछ नहीं है। तो ये देखो, यहाँ पर पूरा एक छोटा सा ये स्पीकर दिख रहा है और यहाँ पर पूरा पेंट किया हुआ है, सब दिख रहा है। अब ये क्या चीज है तो आगे पता चलेगा, तो देखते जाइएगा। तो हमको वायर देखने को मिला यहाँ पर, तो इसको मैं फटाफट निकालता हूँ इसे, फिर उसके बाद देखते हैं इसमें क्या मिलता है। तो फाइनली हमने इस बॉक्स को खोल लिए हैं। तो ये यहाँ पर कुछ डिवाइस है जो कि यहाँ पर वायर दिख रहा है। तो आगे हम इसको खोलेंगे और ये बॉक्स को देख सकते हो, पूरा थर्मोकोल लगाए हुए हैं। और ये जो आया है हमारे मित्र राजा बाबू नई सराई से, तो इसको भेजे हैं। तो क्या भेजे हैं तो आगे देखते जाइएगा इसके अंदर क्या मिलता है अपने को। तो यहाँ पर मैं बीच में रख देता हूँ, तो इसको खोल के देखते हैं। अच्छा पैकिंग की है, पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा गया है यहाँ पर, क्योंकि इतना वजन चीज है ये। तो हमने यहाँ पास कटर से इसके यहाँ पर कट लगा दिए हैं। अब इसको आपके सामने खोल के दिखाते हैं इसके अंदर में क्या चीज है। तो इसको हम थोड़ा आराम से खोलते हैं। तो पूरा फुल लपटाया हुआ है, तो इसको पूरा खोलता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कैमरे को साइड में लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखते रहे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर कैमरे को साइड में लगा दिए हैं। अब इसको मैं खोलता हूँ यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता। तो पूरा घुमाया गया है, घुमा घुमा के इसको बांधा गया है। अच्छा पैकिंग होती है। तो इसके अंदर में आप लोग गेस करिएगा फटाफट ये क्या चीज है। तो इसके पहले हमने अनबॉक्सिंग किए थे, तो अनबॉक्सिंग करने के बाद आपके सामने नन्ना सा छोटा सा हमारा डेक प्लेयर आपके सामने दिख रहा है। तो आप लोग देख रहे होंगे, तो आप लोग तो जान गए होंगे कि जो लोग कैसेट प्लेक किए होंगे। तो चलिए मैं आप लोग को सारी फंक्शन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है स्टूडियो कैसेट प्लेयर,
और उसके ठीक नीचे ये लाल वाली बटन आप लोग देख रहे होंगे, ये पावर की बटन है, ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पास कैसेट डालने का मैक्सिमम दिया हुआ है, तो आप लोग इसमें कैसेट डाल सकते हो। और इसके ठीक नीचे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ बटन्स दिए हुए हैं, तो चलिए एक एक करके बता देता हूँ ये इसे क्या क्या काम करता है। तो यहाँ पर ये पॉज का बटन है, गाना को रोकने के लिए काम आता है। और ये आपका जैसे इसको खोलने के लिए काम आता है, कैसेट डालने के लिए, तो यहाँ पर कैसेट डाली हुई है, इसको निकाल दिया रहता हूँ। तो उसके बाद ये प्ले का बटन दिया हुआ है, इसे गाना प्ले किया जाता है। और यहाँ पास रिवर्स फॉरवर्ड करने का है, चाहे आपने कैसेट को रिवर्स फॉरवर्ड कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, और बहुत तेजी से दूसरे गाने में जा सकते हो। तो इसका भी अलग टेक्निक होता है कि कैसे हम एक गाने से दूसरे गाना में जाते हैं रिवर्स फॉरवर्ड, वो अपने अंदाजा से लगाना पड़ता है कि कितना फॉरवर्ड करने बाद एक गाना आएगा। तो ये अपना ही अलग मजा है रिवर्स फॉरवर्ड करने का। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग के लिए दिया हुआ है, तो चाहे आप लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो इसमें रिकॉर्डिंग का कोई फंक्शन नहीं दिया गया है। और यहाँ पर कुछ बटन्स दिए होंगे गोल गोल, आप लोग देख रहे होंगे। तो ये वॉल्यूम का है, ये आपका बेस का है, ये आपका ट्रेबल का है, और इसके बीच में लाइट दिया हुआ है। ये गाने के हिसाब से लाइट जगमग जगमग होती रहती है, तो स्पेक्ट्रम एनालाइजर दिया हुआ है। तो वॉल्यूम से क्या आपने आपके जो कैसेट की आवाज़ है उसको आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, और कैसेट की जो आवाज़ की क्वालिटी है, तो आप बेस ट्रेबल से आप क्वालिटी को ज़्यादा कम कर सकते हो इसके हिसाब से। तो आप लोगों को तो समझ आ गया होगा। तो इस तरह से ये इसमें फंक्शन दिया हुआ है। तो इसके आगे पीछे आप लोग देखोगे तो यहाँ पर स्पीकर लगी हुई है, और यहाँ भी स्पीकर लगी है, तो इन बिल्ट स्पीकर दी हुई है। तो इसमें भी आप चाहे तो अलग से साउंड बॉक्स भी बजा सकते हो। तो इसके पीछे से आप लोग को दिखाता हूँ, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये आपका 12 वोल्ट का एसी, मतलब इसको बैटरी से चलाया जा सकता है। और ये एक छोटा सा स्विच दिया हुआ है, ये स्पीकर मोड चेंज करने का है, एक इनबिल्ट स्पीकर बजाने के लिए दिया हुआ है, एक आप बाहरी स्पीकर बजाने के लिए ये बटन दिया हुआ है। ये बाहरी स्पीकर के लिए ये सब दिया हुआ है, इसी से हम साउंड बॉक्स को जोड़ा जाता है। सिंगल एसी है, फिर भी ठीक ठाक बजता है घर में सुनने के लिए। तो अब ये प्लग दिया हुआ है, पावर प्लग, तो आप लोगों को समझ आ गया। तो इस तरह से ये हमारा डेक प्लेयर टिकता है। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको पावर देते हैं, उसके बाद हम प्ले करके दिखाते हैं। तो आप लोग दिखा रहा हूँ, ये अपने स्पाइक बोर्ड में हम प्लग को लगा दिए हैं, और यहाँ पर कुछ कैसेट रखे हुए हैं। तो ये हमारा डील है, तुम्हारा वाली कैसेट है, तो हम प्ले करते हैं इसको, इसको खोल लेते हैं। तो ये हमारा ढक्कन खुल गया है, यहाँ पर कैसेट कोड लगा देते हैं, और यहाँ पर हम प्ले करते हैं। पहले तो इसको ऑन करेंगे, ये ऑन हो गया, पावर ऑन कर लिए। अब यहाँ पर हल्का सा बज रहा होगा म्यूजिक, ये टोन बजती है, ये भी हमारी आरएस जुड़ी हुई है, क्योंकि हर डेक प्लेयर में ये साउंड सिस्टम दिया रहता है। इसको कम कर दिया रहता हूँ, आज के उसको प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखो गाना बज रही है। चलिए, हमारे YouTube चैनल में कॉपीराइट के लफड़ा रहता है, इसे ज़्यादा नहीं सुना सकता, ऐसे कर सकते। तो इस तरह से साउंड देती है, तो बहुत प्यारी आवाज़ देती है। हाँ, थोड़ा सा स्पीकर की क्वालिटी थोड़ा अलग है, तो अच्छी क्वालिटी का अगर स्पीकर यहाँ पर लगाओगे तो बहुत अच्छी आवाज़ देगी, क्योंकि कैसेट में कोई समस्या नहीं है। और ये भी ताजो की बात है, ये कैसेट इतनी पुरानी है, 10 साल 15 साल पुरानी है, फिर भी चल रही है। तो इसका मैं डब्बा दिखा देता हूँ, ये है दिल है तुम्हारा का, आप लोग देख रहे होंगे, ये दिल है तुम्हारा का कैसेट है। तो यहाँ पर पूरा डेट दिया हुआ रहता है, देखिए ये कब का डेट है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर दिखेगा आपका, देखो 45 रुपया का है, ये आपका 2007 के समय का, आप सोच लो 13 साल पुराना है ये कैसेट। ये डील है तुम्हारा, टिप्स कंपनी में आई हुई है, तो बहुत प्यारा प्यारा गाना है। यहाँ पर यह नदी शर्मा बहुत ही फेमस है, ये समीर है। तो
इसके बहुत अच्छे अच्छे गाने आते हैं, नदीम सरवन, समीर का, और गायक तो जानते हो गए, कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक। तो 90 दशक के जमाने में उस तरह के गाना सुना करते थे। कुमार सानू का तो मैं बड़ा फैन हूँ, उसका तो मैं बहुत सुनता हूँ, अपने बचपन में खूब सुना हूँ मैं। मेरे उस जमाने में टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे, टेप रिकॉर्डर आप तो जानते होंगे, फिलिप्स कंपनी का ज़्यादा चला करते थे टेप रिकॉर्डर, तो उसी में मैं ज़्यादा गाना प्ले किया हूँ मैं, और कुमार सानू का गाना बहुत सुना हूँ मैं। जब भी स्कूल से आता था तो आधे घंटे के लिए गाना प्ले कर देता था, कपड़ा वपड़ा उठाता था, फोन चेस करता था, तो गाना सुनते सुनते तो मैं बहुत ही शौकीन है। और ये आपने जो डेक प्लेयर आप लोग ठीक सामने देख रहे हो, ये अपने दोस्त से ही खरीदा हूँ मैं, मोहन ओझा जी से मैं खरीदा हूँ मैं, उन्होंने दिलाया है डेक प्लेयर, और इसको सुन कर अपने बचपन की याद में बहुत ताजा होती है। तो कभी कभी मैं इससे भी अपना शौक पूरा कर लेता हूँ। तो शुरू शुरू में जब डेक आया तो उसको मैं खूब सुना, 1-2 घंटा तक प्ले किया। तो मेरे पास भी कुछ कैसेट रखी हुई है, 10-12 तो कैसेट है, वो ला रखा हूँ, शोकेस के रूप में रखा रहता है, उसको देखते ही मेरे को अच्छा फीलिंग होती है, अरे मेरे पास कुछ कैसेट है करके। तो आप लोग को तो पसंद आया होगा इस डेक प्लेयर को देख के। और यदि आपको डेक प्लेयर इस तरह चाहते हो तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप राजा बाबू नई सराय के यूट्यूब चैनल में जाकर इससे संबंधित आप लोग जानकारी ले सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं और पुरानी पुरानी यादें भी ताजा करते हैं। तो वहां से आप डेक प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, आप कार वाली टेप रिकॉर्डर, जो भी आपको खरीदना है, हर रविवार को ये सब रिव्यू करते रहते हैं, तो वहां से आप संपर्क कर सकते हो। तो आज के वीडियो बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों आज के अनबॉक्सिंग वीडियो देखकर तो आप लोग तो चौके होंगे। तो इसके अंदर में नन्ना सा प्यारा सा छोटा सा टेक प्लेयर आप लोग को दिखाया हूँ। तो आप लोगों तो सब समझ आ गया होगा कि इसका फंक्शन कैसे प्ले होता है। तो आप लोग को गाना भी सुना दिया होगा। तो यह अलग कैसेट मैंने आप लोग को प्ले करके दिखाया था, डिलेट महारा का। तो इसके अलावा भी और कैसेट है, 12-13 तो कैसेट रखा हूँ मैं, ऐसे ही अपनी शौक पूरा करने के लिए, अपनी बचपन की यादें को पूरा करने के लिए तो मैंने रख लिए। तो गाना सुनने के लिए तो बहुत सारे हैं मेरे, चाहे मैं कंप्यूटर में गाना सुन सकता हूँ, चाहे लैपटॉप में सुन सकता हूँ, चाहे मोबाइल में सुन सकता हूँ, चाहे पेन ड्राइव में सुन सकता हूँ। तो गाने सुनने के लिए कोई कमी नहीं है, यहाँ तक तो इंटरनेट में भी सुन सकते हैं। लेकिन डेक प्लेयर में सुनना बहुत ही अलग मजा होता है। उसमें कैसेट डालना, गाना सुनना, ये अलग ही फील देता है। इसे इसमें वो सुनना और मजा आता है। और बाकी में क्या है, एक बटन दबा दो सुन लो, उसका भी अपनी अलग मजा है। जो कि आज के दौर में इतना सारे कैसेट तो कलेक्शन तो नहीं कर सकते, जगह की कमी पड़ती है कई बार। उस जमाने में आप लोग देखे होंगे किसी घरों में जाके तो इतने सारे कैसेट रखी होती थी पूरे अलमारी भर के। तो आप लोग घूर घूर के देखते होंगे, अरे बाप रे इतनी सारी कैसेट रखी हुई है। तो मैं भी ऐसे जाता था किसी घर में तो देखता था, मैं कैसेट जरूर देखता था, कैसेट की नजरें पड़ी रहती थी, अरे अच्छा अच्छा पिक्चर का ये रखा हुआ है करके। तो जैसे जैसे दोस्ती यारी बढ़ती जाती है तो इसकी शेयरिंग बढ़ती जाती है। अरे कैसेट देना था, मैं अपना कैसेट दोस्त को देता था, उसका कैसेट मैं लेता था, तो आपस में हम बांटते थे। बहुत अलग ही मजा था 90 के दशक के दौर में डेक प्लेयर से सुनना, टेप से रिकॉर्डर से सुनना, या मन पसंद गाना डबिंग कराना, तो अलग ही मजा था। तो आज के वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और आज की वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कर देगा। और यदि आप इस चैनल में नए आ गए हो तो मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को क्लिक कर दीजिएगा। और इस तरह का मैं नया नया एक से बढ़कर वीडियो लेके आते रहूंगा, चाहे नॉलेज से संबंधित हो, चाहे बचपन से जुड़े यादें से संबंधित हो। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। तो आज के वीडियो बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।